बात ना ध्यान से सुनो। हम पिछली मुलाकात में समझ गए थे कि वो वकील नहीं है शेखर, बहुत टेढ़ा आदमी है वो। उसको सीधे तरीका से समझाने का ना कोनो मतलब नहीं है। उसको एक ही तरीका से समझ में आएगा और वो ये है कि उसको चुपचाप कोरट से उठा लो। बस 5 बजे तक वो कोरट में ना दिखाई नहीं देना चाहिए और इतने में ना उसका अकल ठिकाने आ जाएगा। अब दीदी जी क्या कह रही हैं, हमको बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है। तो तुम्हें समझने के लिए क्या कौन रहे? कोई कह रहा है तुम्हें जितना कहा जा रहा ना तुम उतना ही करो। अब ठीक है दीदी जी, आप जो कह रही हैं ना बिल्कुल वैसे हो जाएगा, लेकिन फराग भैया का क्या करें, उनका तो आप कुछ भी ना करती हैं। इसीलिए ना तुम्हें समझा रहे हैं, तुम समझदार हो ना। हाँ, तुम फराग भैया जो है ना उसको रायता मत फैलाना। और एक बात सुनो, वो कोरट है हाँ, वहाँ पे दंगा फसाद नहीं चलेगा, प्यार मोहब्बत से काम चलेगा। एकदम में टेंशन मत लीजिए, बिल्कुल ही आराम से होगा। हरिनगर कोरट में सब सरकारी कागज ज्यादातर ई शेखर ही बनवाता है। शेखर के बिना मिस्टर जी का एफिडेविट नहीं बन पाएगा, एफिडेविट के बिना मिस्टर जी को कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिलेगा और कॉन्ट्रैक्ट के बिना उनके यहाँ रहने का कोई मतलब ही नहीं बचेगा। बिटिया सुनो, दामाद जी के लिए नाश्ता लेकर जाओ, हम रसोई में सामान पैक कर रहे हैं। कुछ दिन और खातिरदारी कर लो अम्मा अपने दामाद जी की, फिर तो हम इन्हें जहाज में बिठा के लंदन पार्सल करा देंगे। सारी वो गलती से गिर गया। लो अब फिर इन्हें हमें जाहिल गवार कहने का मौका मिल गया। इट्स ओके, कोई बात नहीं, कपड़े हैं चेंज कर लूंगा, सो व्हाट। ये चमत्कार कैसे हुआ? इनका तो आत्मा ही बदल गया है। वहां जब हमने इनका कपड़ा खराब कर दिया था तब तो ऐसा हंगामा मचा दिए थे, लेकिन आज मुस्कुरा के इट्स ओके कह रहे हैं। अभी मुस्कुरा कह रहे हैं, कुछ गड़बड़ तो नहीं? ये क्या कर रहे हैं आप? मना किया ना आपको ये बदतमीजी करने से हमसे? समझे में नहीं आ रहा है क्या आपको? क्या हुआ? अब मैंने क्या कर दिया तुम्हारे से? अब हम दूसरा नाश्ता लेकर आते हैं आपके लिए। इट्स ओके जानू, जाओ ले आओ। पराग भैया ये वकील ना उनको बहुत से होशियार लगता है, उसने अपने आप को मतलब पता नहीं कहाँ समझता है। उस दिन भी जब दीदी जी उसको समझाने गई ना तो मतलब बहुत ही ऐड दिखा रहा है। उस एंड मोमेंट पे आपका वो एक्सीडेंट का फोन आ गया तो हम लोग को वहाँ से निकलना पड़ गया। नहीं तो हमको पूरा यकीन है कि दीदी जी ना उस ससुरा को घर पे ला के ना अपना वो निशाना का प्रैक्टिस जरूर करती। ससुरा वो दिन तो बच गया, लेकिन हमको एक आभास हो गया है कि ससुरा बहुत टेढ़ा खीर है वो। है नारद, लो पहले ही खाओ तो। खाओ। अरे हमसे ज्यादा टेढ़ा खीर है वो। अरे कब वो टेढ़ा खीर का हम पनीर निकाल देंगे पता नहीं चलेगा। रे ये पूरा जिला में विकराल सिंह से और पराग सिंह से ज्यादा कोई टेढ़ा खीर है? अरे पहले ही से हमको बाबूजी इतना इम्पोर्टेंट काम दिए हैं, एक पार्टी से पेमेंट उठाना,
ये पुराना घर का सामान नए घर में शिफ्ट कराना है, फिर अम्मा ही लिस्ट दे दी है लिख करके का फूल माला का है। फूल माला दूरबाई, अरे भैया ये इम्पोर्टेंट काम लगता है आपको। अरे भैया पहले इम्पोर्टेंट काम ऊ है। ए नारद सुनो, हमारे लिए तो यह इम्पोर्टेंट काम है। कोर्ट खुला रहता है 5 बजे तक। हाँ भैया 5 बजे तक खुला रहता है, तो उसके बाद देख लेंगे तुम्हारे वकील को, काहे चिंता कर रहे हो तुम। तुम तो मेरे साथ नहीं चल रही ना। लेकिन अब चलना पड़ेगा, काहे कि अब वहां आपको शेखर तो मिलेगा नहीं, और अगर हम साथ में हुए तो आपको कभी भी नहीं लगेगा कि शेखर को गायब करने में हमारा हाथ है। अरे बोलो ना। हमें मालूम है अगर हम आपके साथ नहीं चलेंगे तो आपको हंगामा मचाने का मौका मिल जाएगा, और आप बाबूजी से सब सच बता देंगे, जिससे आप ही की जान को खतरा है। हमने सोचा एक किचपित से अच्छा है कि हम आपके साथ ही चलें। ये बक्सा टेम्पो में पहले रखना, बाद में ही दूसरा रखना। अम्मा हम कोरत से होकर आते हैं। ठीक है, पर जल्दी आना, नए घर का पूजा और गृह प्रवेश तुम दोनों को करना है। अम्मा जी आप चिंता मत कीजिए, हम जल्दी आ जाएंगे। वो वैसे भी आज पीडीओ ऑफिस में पेपर जमा करने की लास्ट डेट है, तो आई थिंक 5 बजे तक हम लोग फ्री हो जाएंगे और हम उसके बाद सीधा घर आ जाएंगे। चले ना। हाँ हाँ अम्मा जी, फटाक से सारा काम निपटा कर आएंगे। वैसे भी आज मिस्टर जी का सारा काम हमेशा के लिए निपट जाएगा, बस अब लंदन का टिकट बुक कराना बाकी है। अब चलो। हाँ हाँ चलिए। भगवान करे इन दोनों की जोड़ी को किसी का नजर ना लगे। हे दुर्गा मैया, हमारे दामाद जी के रास्ते में आए सारे कांटे दूर करना। लंदन में रहे फिर भी अपनी मिट्टी से जड़ जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। एकदम सही कह रही हैं ठकुराइन, और ये कोशिश में अपने बेटा जी दामाद जी का मदद कर रही है। आप देखिएगा मेहनत दोनों का बहुत रंग लाएगा, और एक दिन दुनिया वाला कहेगा ये दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं। नारद ना कॉल कर रहा है ना मैसेज, अब तक तो काम हो ही गया होगा। अरे रागिनी जल्दी करो ना, ये सरकारी कामों में बहुत टाइम लगता है। एक बार अपना ये काम हो गया ना, उसके बाद इसके बाद तो अपनी लाइफ सेट। लाइफ सेट यहाँ नहीं, लंदन में कीजिएगा। उड़ लीजिए हवा में और निकल जाइए उस सृष्टि की दृष्टि से और हमारी भी दृष्टि से। देखिए मैं लॉयर हूं, न्याय के लिए लड़ता हूं। अगर आपको समझाना है तो अपने पिताजी को समझाइए कि हमारे क्लाइंट की जमीन वापस कर। अरे ये तो अभी तक यहीं विराजमान है, मतलब नारद और पराग भैया अभी तक यहाँ पहुंचे ही नहीं। आओ ना। हाय शेखर। अरे अनुराग जी, आप आज अपने मिसेस के साथ बैठिए ना। आओ रागिनी बैठो। सृष्टि नहीं आया आज? लो, उसके बिना तो जैसे इनका काम ही नहीं बनेगा। जाइए घर जाके बुला लाइए ना। हाँ वो एक्चुअली एक क्लाइंट के पास गए मीटिंग के लिए। एक्चुअली शेखर आई हैव अ स्मॉल वर्क, पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट के लिए एक अग्रीमेंट बनाना है, तो उसके लिए मुझे एफिडेविट चाहिए। नारद का बच्चा एक काम जो ठीक से कर दे, कुछ तो करना पड़ेगा हमको। हाँ एक मिनट अंदर आना। हाँ इसमें सारा फॉर्मेट है। हाँ ये सारे पेपर्स ले जाओ और इनका स्टैम्प पेपर पे कॉपी बनवा दो। आप लोग बात कीजिए, हम 2 मिनट में आते हैं, हमें एक जरूरी फोन करना है। जल्दी आना।
दोनों का एकदम पखलोलो का हा? अभी तक पहुंचे का ही नहीं हुआ। दीदी जी अभी हम लोग ना ट्रक वाले के यहाँ जा रहे हैं। नारद हम बोले थे ना कि ये काम सबसे ज्यादा जरूरी है। दीदी जी पराग भैया बोले कि पहले नई कोठी पर सामान पहुँचाने के लिए ट्रक जरूरी है। तो तुम और तुम्हारे पराग भैया दिमाग में गोबर भर के रखे हो, इसलिए गरियाते हम बाबू जी सही गरियाते। जी दीदी जी। वैसे अभी भी टाइम है, अगर ये लोग मिस्टर जी का काम होने से पहले शेखर को उठा ले तो बात बन सकता है। अच्छा 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 सुनो ना नारद, तुम एक काम करो ना, सबसे पहले सारे काम छोड़ के कोरट जाओ और उस शेखर है ना उसको उठवाओ। अगर ये काम नहीं हुआ ना तो हम तुम दोनों को ना गोली से उड़ा देंगे। और सुनो शांति से करना सारे काम, ठीक है? जी दीदी जी, हम लोग पास में ही हैं। हाँ अभी जाते हैं। हाँ ठीक है। रागिनी कितनी देर लगा थी, किससे बात करने गई थी और तुम परेशान क्यों लग रही हो? परेशान? हम नहीं, नारद को फोन करने गए थे। वो कहा है कि पूछना था ना कि घर का सारा सामान नई कोठी में गया कि नहीं। अच्छा, क्योंकि हम तो यहाँ हैं और यहाँ पता नहीं कितना टाइम लगेगा। अनुराग जी, ये सारा काम होने में कम से कम 1.5 से 2 घंटा जाएगा। अगर आप दोनों को कुछ काम हो तो वो कर लीजिए। मतलब नारद और पराग भैया के पास सिर्फ 1-1.5 घंटे का टाइम है शेखर को उठाने के लिए। हाँ तो ठीक है, तो 2 घंटे हैं तो हम दोनों चलते हैं, तुम्हें कुछ शॉपिंग कराता हूँ। नए घर में जा रहे हैं तो कुछ नया लेके जाएंगे। क्यों? अब पता नहीं पराग भैया इतनी देर में शेखर को निपटा पाएंगे या नहीं। अब भगवान थोड़ा टाइम के लिए उनको बुद्धि दे दीजिए, बहुत अर्जेंटी है। चले चलिए। I'll see. Yes, sure. बोलिए विद्वान जी, क्या मंगाऊं, ठंडा या गरम कुछ? अरे नहीं नहीं पुरुषोत्तम बाबू, कुछ नहीं, नाश्ता पानी सब करके निकले हैं घर से। आप तो बस ये फाइल जो है कचहरी में जमा करवा दीजिए, औरट कचहरी के चक्कर से हमको मुक्ति दिलवाइए, यह सबसे बड़का कृपा होगा हम पे। अरे विद्वान जी, आप तो अपने हैं, आपके लिए हम जो भी बन पड़ेगा सब कुछ करेंगे, आप चिंता मत करिए। जी हाँ। विश्व बेटा, तुम डॉक्टर से मिले कि नहीं? क्या कहा डॉक्टर ने? जी डॉक्टर जी ने बोला कि हमें ना बहुत जल्दी ठीक हो रहे हैं, थोड़े दिनों में एकदम पहले जैसे हो जाएंगे। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है। चलो अच्छा है, विश्व जी जल्दी ठीक हो रहे हैं। अच्छा पुरुषोत्तम बाबू, सृष्टि बाबू कैसी है? विद्वान जी, वो इसी कोर्ट में एक लड़का है शेखर, वो उसी के साथ काम करती है, लेकिन हमसे अभी तक नाराज है। वो हमारी बात नहीं हो पाती उससे। चलिए ना, आपके पेपर्स कोर्ट में जमा कर देते हैं। शुक्रवार है, काम नहीं रहा तो अगले 2 दिन तक कोर्ट बंद हो जाएगा। जी जी चलिए। आइए आओ बेटा। चलो विश्व बेटा। पापा हमको ना थोड़ा थकान लग रहा है, आप होकर आइए, हम यहाँ रुकते हैं, हम आपका इंतजार करेंगे। ठीक है बेटा, तुम यहीं बैठो, बस हम अभी फटाफट काम निपटा के आते हैं। हाँ ठीक है बेटा, आइए।
गेट वेल सून विशु जी। भैया जी आराम से बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, वो बुराना नहीं है, आराम से। हाँ कहा भैया वकील, सुने कोर्ट के बाहर सबको पकड़ पकड़ के इंसाफ दिला रहे हो, हैं? अरे बोलोगे कि जवान पेट में गिर गया तुम्हारे। कौन है आप लोग और यहां पर क्यों आए? अरे आप वकील हैं और ये जज, जज हैं तुम्हारे जिंदगी के, तुमको ले जाना चाहते हैं आज अपने अड्डा पे, तुमसे कुछ क्या कहते हैं डिस्कशन करने के। हाँ डिस्कशन करना है तुमसे। ओह चलो ए भैया जी, करते ए भैया जी लोग डिस्कशन। ओह ए भैया जी आराम से आओ भाई। तुम लोग जो कोई भी हो बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, यहां से चले जाओ वरना बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाओगे। अबे फंस तो तुम गए हो बे वकील, हमारे बाप के खिलाफ ही केस लेकर के, समझे? अच्छा तुम विकराल सिंह के बेटे हो, हमारी बहन आई थी हमें नसीहत दे, अब तुम्हें भेजा है उसने। बे हमारी बहन की नसीहत अगर तुम सुन लिए होते तो तुम्हारे लिए ज्यादा बेहतर होता। चलो नहीं तो यहीं तुमको ना दाग देंगे। चलो यहाँ लगाई। अरे का यहाँ लगाई हूँ। चलो अरे आप लोग यहाँ पर, और शेखर तुम इन लोगों के साथ कहाँ जा रहे हो? अरे देवी जी कहा है ना कि एक चुना केस का डिस्कशन करना है, तो बस उसी के लिए ले जा रहे थे। डिस्कशन? लेकिन शेखर डिस्कशन तो डिस्कशन के लिए गन लगाकर नहीं ले जाया जाता। हम अभी पुलिस को लेकर आते हैं, तुम दोनों जेल जाओगे। ओके मैं इन लोगों से बात करके आता हूँ, तुम्हें कुछ भी करने की कोई जरूरत नहीं, प्लीज। नहीं शेखर, ये ऐसे खुलेआम गुंडागर्दी नहीं कर सकते। देखो तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा कि तुम यहाँ से चले जाओ, ये कोर्ट प्रिमाइज है और यहाँ कुछ भी गलत करके तुम बच नहीं सकोगे। हम अभी पुलिस को बुला के लाते हैं, देखना फिर तुम। ए कानून की अम्मा ज्यादा ना भलभलाओ मत, चुपचाप यहाँ से निकल लो। कहा कि तुम पहले से हमारे हिट लिस्ट में हो। अरे तुमको पता है कि तुम्हारे वजह से हमारी छोटी बहन कितना कितना तकलीफ झेली है। चली जाओ नहीं तो इनको छोड़ के तुमको दाग देंगे ये। तुम जो करना चाहते हो तुम कर लो, लेकिन हम तुम्हें शेखर को यहां से नहीं ले जाने देंगे। दृष्टि प्लीज लेट मी हैंडल दिस, मैं इन लोगों से बात करके आता हूँ, यू प्लीज स्टे ऑन। हे नारद कौन है इनके? ओ, गुरु, गुरु हैं? हाँ अब तो तुम्हारे गुरु जी भी तुमको आदेश दे दिए, तो कटो यहां से नहीं तो खामा खाम है निपट जाओगी। चलो भाई लेट अस गो प्लीज। तो कर दो खत्म। अरे हट जाओ नहीं तो तुम्ही को दाग देंगे यहाँ पे। ए, ए। बस बहुत हो गई तुम्हारी गुंडागर्दी।